दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के प्रोटेस्ट को 7 महीने आज पूरे हो गए हैं। लगातार किसान आंदोलन दिल्ली बॉर्डर्स पर शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा और इस बीच प्रोटेस्ट को अलग अलग माध्यम अपनाए गए। ट्रैक्टर रैलियां निकाली गई, मोटरसाइकिल रैलियां भी निकाली गई। आज देश भर में गवर्नर हाउस पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया जा रहा है। इसी बीच टीकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर जो महत्वपूर्ण बॉर्डर हैं इस किसान आंदोलन के, उसी में से एक है टीकरी बॉर्डर। और टीकरी बॉर्डर पर किसान ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे हैं शासन प्रशासन को जागरूक करने के लिए, सरकार को चेताने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कि किसानों का ये प्रोटेस्ट जो है वो लगातार जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा से जुड़ी जो जत्थेबंदी है, वो जुड़े जो लोग हैं वो इस प्रोटेस्ट में भागीदार कर रहे हैं। मोटरसाइकिलों की अगुवाई में प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है और ट्रैक्टरों का ये काफिला बहादुरगढ़ शहर के बाईपास से होता हुआ झज्जर मोड़ और फिर वापस शहर के अंदर यहाँ तक पहुँचेगा। अब इस संदर्भ में भारतीय किसान यूनियन के नेता भी हमारे साथ, सीधा उनसे बात कर लेते हैं। जसविंदर जी हैं। जसविंदर जी, ये जो ट्रैक्टर मार्च है, इस ट्रैक्टर मार्च का क्या मेन उद्देश्य? ट्रैक्टर मार्च का मेन मसला यह है भी अज सू वाडर के बैठिया 7 महीने पूरे हो गए, केंद्र सरकार साडिया मंगा मनण हाले तैयार नहीं। असी केंद्र सरकार को झुकाने लई हर 26 तरीक न कोई ना कोई नवा प्रोग्राम करते हैं। उस तर्ज पर अज का प्रोग्राम पूरे देश के राष्ट्रपति तक राजपालों के राही जोड़े रोस पत्र भेजे जाएंगे सारिया जथेबंदियों वालों संयुक्त मोर्चे के सदे तहत, तो शहरों के बड़े कट करके मुजहरे हो रहे हैं। उस तर्ज पर असी टिकरी बार्डर के बहादुरगढ़ के नाल लगते पिंड शहर के अज बहुत वही गिणती ट्रैक्टर मार्च है जोड़ा वो शुरू होना है करना है, यानी कि केंद्र सरकार के खिलाफ। तो दूजी गल, केंद्र की सरकार ने साडे देश के अणअलानी जी एमरजेंसी है वो लाई हुई है, इत्थे मनुखता की लगातार सुनवाई नहीं हो रही, बुद्धिजीवियों से झूठे परच दर्ज करके जेलों च डके जा रहे हैं, पत्रकार जो सच की आवाज़ चुकते हैं उन्होंने जेलों च डकया जा रहा है, किसान आगुआ सरकार जेलों के डकन लई तैयार खड़ी है क्योंकि तरह तरह के बयान दे रही है। इन हालातों के अंदर असी कह सकते हैं कि साडे देश का जो हाल है इन्ना बद तो बदतर होया पे, इत्थे कोई जमहूरियत ना की चीज़ नहीं है। इस करके रोस वजों देश के लोगों जगाउण खातर कि जो राज करदियां साडियां सरकारां ने, केंद्र सरकार है वो साडी नहीं है, ये कारपोरेट घराणियां दी पक्खी है। इस करके बाहर निकलो, आपां वड्डा कट करके आउंदे दिनां च अंदोलन नूं होर तेज़ करके केंद्र सरकार दीआं लोक विरोधी नीतियां ते काले कानूनां नूं वापस करा सकीए। इस तरीके से आंदोलन में लगातार कुछ दूसरी घटनाएं क्रम हो रही हैं, पश्चिम बंगाल की युवती के साथ हुआ, कसार गाँव में एक युवक के साथ हुआ, लगातार आंदोलन दिशा तो नहीं भटक रहा है। भाजपा नेता भी कह रहे हैं कि किसानों के हाथ से निकल गए। देख, जो भाजपा नेता कह रहे हैं वो बिल्कुल झूठ कह रहे हैं, क्योंकि आज भी पूरे देश में देख लेना भाजपा वालों ने कि किमें देश के लोग संयुक्त मोर्चे के सदे के उत्ते बहुत बड़ी गिनती है जी घर तो निकल के इस रोस प्रदर्शनों के शामिल होगी, क्योंकि इहोजिया जिहड़ियां घटनावां का दोष किसानों के अंदोलन से मढ़ रहे हैं वो बिल्कुल कोरा झूठ है। कोई उस दलील नहीं, कोई सच्चाई नहीं है, तर्कहीन गल्लां बीजेपी करती है। ये तर्कहीन गल्लां करके पहला इन्होंने कई छोटे मोटे अंदोलनों खंदेड़ना ठीक समझे है, उही राह अपनाना चाहते हैं, पर इस अंदोलन खंदेड़ नहीं सकते क्योंकि इस अंदोलन नाल लोग चुल्हे चुल्हे दे तक जुड़े हुए है, हर पिंड दे हर शहर दे लोग जुड़े हुए। अज इत्थे आपां बहादुरगढ़ च बैठे हाँ, ये सारे भैण भरावां दा साथ अपने नाल है, ताही आपां बैठे हाँ, ताही शहर च मुजहरे करांगे। तो अज दे प्रोग्राम नाल बीजेपी दी वह जिहड़ियां चालां ने इस घोल नूं विरोध करन वालियां, जां उह कहिंदे आ कि इन्हां दे हत्थ चों घोल निकल गया, उस गल दा करारा जवाब देवांगे। बीजेपी दे आगू देख लैण बहुत वड्डी गिणती बाहर घरों निकल के बीजेपी नूं मजबूर करेगी आउंदे दिनां दे अंदर, इन्हां नूं कानून ने जिहड़े इह काले रद्द करने पैणे आ, लोक विरोधी नीतियां नूं वापस लैणा पैणा है, क्योंकि बिल्कुल जिहड़ा घोल है वह ठीक दिशा च जा रिहा है। किसान आगुआं दे मुताबक, साडे कहण मुताबक लोग अंदोलन साथ दे रहे हैं। आ तुसीं देख लो किड्डी वड्डी गिणती है जिहड़ी इह किसान आगुआं दे कहण दी इकट्ठी हुई है, बहुत वड्डी गिणती। इसे तरह वख-वख मुजहरियां दे विच रोस प्रदर्शनों के शामिल हो देश आउणगियां खबरां देखोगे कि नरेंद्र मोदी नूं अज दे दिन दे उत्ते किड्डा वड्डा झटका, केंद्र दी सरकार नूं किड्डा वड्डा झटका इह किसान अंदोलन ने पाउणा। लेकिन ऐसे में समाधान कब होगा, क्योंकि समाधान की तलाश सबको, आपको भी है, हमें भी है, कब होगा समाधान? इस बीच जसविंदर जी से आगे बात जारी रखें, लेकिन इस बीच हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के प्रधान जोगिंदर सिंह भी जुड़ गए हैं। जोगिंदर सिंह जी, लगातार प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं, धरने भी चल रहे हैं, स्टेज भी चल रही है, समाधान नहीं हो रहा, बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं, ऐसी बातें आ रही हैं लगातार। अरे भाई, उस दिन से आप लोग हमारे साथ ही हैं, दरवाजे तो उस दिन से खुले हुए हैं,
दरवाजे में से कुछ रखा भी है जो हम जाकर लेकर वापस आ गए, जाते हैं खाली वापस आ जाते हैं। सरकार के पास सर कुछ है जो देना चाहे सरकार हमको, वो बोल रहे हैं कि भाई लोग ये कानून बना रहे हैं आपके फायदे के लिए, आपकी आमदन बता देंगे। हम चाहते हैं कि ऐसी आमदन भाई हमें नहीं चाहिए। अगर वो हम उस चीज़ को लेना नहीं चाहते जो हमें देना चाहते हैं, तो उसको एकदम उसको वापस लें और लोगों को कन्वेंस कराकर दोबारा कानून बना लें। उनके पास इस समस्या का हल है, लेकिन हल निकालने के लिए वो तैयार नहीं, क्योंकि ईगो का सवाल है, अहंकार का सवाल है। जो मोदी ने कहा कह दिया वो वापस नहीं होगा, ऐसा सवाल है। ऐसा लोक राज सिस्टम के अंदर, जमहूरी राज के अंदर ऐसा नहीं होता। लोगों की बात सुननी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। हम फरियादी हैं, फरियाद लेकर है, हमारी फरियाद सुननी चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि दोबारा लाए जा सकते हैं, दोबारा लाए जा सकते हैं, तो फिर इनमें संशोधन या इनमें सुधार क्यों नहीं? दोबारा तो तभी लाएंगे ना जो लोगों को कन्वेंस करा देंगे। दोबारा लाए जा सकते थे तभी हैं जब लोग मांग करेंगे भाई आपके कानून बहुत अच्छे थे आप लागू कर दो। वो कानून अच्छे नहीं, दोबारा कैसे आएंगे? आएंगे नहीं, हमारी हमारा कॉन्फिडेंस है। वो कानून इतने खतरनाक हैं कि कारपोरेट का फायदा करते हैं, किरतियों लोगों को मारेंगे। फूड सुरक्षा का मसला है, आप भी खाते हैं अनाज, हम भी खाते हैं अनाज। आप हरियाणा के साथ टच हैं, आपने देखा है अभी सरसों का रेट क्या है? सरसों का 2 करोड़ कारपोरेटों ने खरीदा है, दोनों ने खरीदा, सरसों का तेल कहाँ चला गया, सरसों का रेट कहाँ चला गया? ऐसे जितनी भी खाने वाली वस्तुएँ हैं जब कारपोरेट के हाथ में आ जाएंगी तो उनके रेट हमारे बस से खरीदने वाली नहीं रहेंगी। हम देख जरूर सकेंगे कि दुकानों में अनाज पड़ा है, रेडियो पर फल पड़े हुए हैं, ये हमारी पहुंच से बाहर हो जाएंगे, हमारी आमदन नीचे हो जाएगी, हमारी खरीद शक्ति नहीं रहेगी। ये लोग हमें, जब ये बात हो गई तो हम अपनी ज़रूरतें पूरी ज़मीनें बेच कर करेंगे, तो ज़मीनें कौन खरीदेगा? कारपोरेट। कारपोरेट यही चाहता है कि पैदावार के खाने वाली वस्तुओं के ऊपर कारपोरेट का कब्जा हो और मनमानी के रेटों पर उनको बेचकर मुनाफा लेना। 7 महीने आप लोगों को दिल्ली बॉर्डर्स पे हो गए, ये 7 महीने कैसे गुजरे? सरकार से बातचीत भी हुई, बातचीत बंद भी हुई, आंधी भी आई, बारिश भी आई, किस तरह से गुजरे? क्या देखो, बुखार में गुजरे, कोरोना में गुजरे, संकट में गुजरे, कुदरती क्रोपी में गुजरे, सरकार की धमकियों से गुजरे, सरकार के झूठे लारे लप्पों से गुजरे, सरकार की चालों का सामना करते हुए गुजरे। और हम अपना काम छड़ के, बच्चों की दूरी बनाकर, उनके अपने काम को तरजीह ना देकर इस मैदान में तत्तियों ठंडियों सड़कों के ऊपर लेटने के लिए संपर्क। अभी भी हम गुजर रहे हैं इस गर्मी में, अभी 48 डिग्री टेम्परेचर है, आप अभी नोट करो, 48 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, जब ये 45 हो जाएगा हमें नहीं मालूम। हम इस तत्ती रुत में भी और गर्मियों में भी, अभी जखड़ आता है सब कुछ तंबू खाड़ देता है, और रात को 1-1 बजे हमने तंबू लगाए हुए हैं। हम इस संकट में आए हुए हैं, हमारा कोई शौक नहीं है सड़कों के ऊपर बैठने का, धरना लगाने का हमारा शौक नहीं। आज तक दुनिया में कोई इतना बड़ा आंदोलन और इतना बड़ा शांतमय आंदोलन आज तक कभी चला नहीं है, लेकिन सरकार फिर भी नहीं इसकी सोच रही, तो बहुत ही मंदभागी बात है। तो हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर कब होगा समाधान, कब शुरू होगी बातचीत? देखिए, हमारा रोटी का सवाल है, अगर रोटी का सवाल ना होता तो हम सोच लेते अभी नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। ये तो हमारा रोटी का सवाल है, अगर इसको हम छोड़ जाते हैं, इसमें हम हार जाते हैं, तो हमारी तो मौत का संदेश है, हमारी मौत के ब्रंट लेकर हम घरों को वापस नहीं जा सकते। रोटी का सवाल है, जीवन का सवाल है, और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, समाधान नहीं मिल जाता, टीकरी बॉर्डर से लेकर जहाँ तक भी आंदोलन फैला है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जहाँ जहाँ ये आंदोलन फैला है, ऐसे ही चलता रहेगा। और जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते, इन सड़कों से किसान उठने वाले हैं नहीं। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टीकरी बॉर्डर।